बैठ जाइए। गति चैप्टर में क्या टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट क्लास में? पिछले क्लास में जो पढ़े थे हम लोग वो पढ़े थे दूरी और विस्थापन। क्या पढ़े थे? दूरी। उसके बाद जो पढ़े चाल वेग त्वरण। क्या पढ़े? चाल वेग त्वरण। अब भौतिक राशि की संख्या हमारे पास पांच हो चुका है, हो चुका है ना? एक दूरी, विस्थापन और क्या हो चुका है, चाल वेग त्वरण। इस प्रकार इन इन सब चीजों को भौतिक राशि कहते हैं। इसका मापन होता है, दूरी का माप नहीं, घटा बड़ा कितना दूरी हुआ, विस्थापन कितना विस्थापन है, कितना चाल है, कितना वेग है, कितना त्वरण है, सब हम लोग मापते हैं ना। Yes, sir. तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो कहा जाता है वे राशि जिसका हम मापन करते हैं यंत्र द्वारा, जिसका हम यंत्र द्वारा मापन करते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। और दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशि को दो वर्गों में बांटते हैं, कुछ को सदिश कहते हैं और कुछ को अदिश कहते हैं। भौतिक राशि में कुछ भौतिक राशि क्या कहते हैं? सदिश, और कुछ भौतिक राशि को अदिश। तो भौतिक राशि दुनिया में बहुत सारा है, सैकड़ों भौतिक राशि पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से कुछ को सदिश राशि कहते हैं और कुछ को अदिश राशि कहते हैं। तो भौतिक राशियों का दिशा एवं परिमाण के आधार पर वर्गीकरण, भौतिक राशियों का दिशा एवं परिमाण के आधार पर वर्गीकरण, ठीक ना? ये हमारा हेडिंग है आज का, ठीक, राशियों का दिशा एवं परिमाण के आधार पर वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों को हम दिशा एवं परिमाण के आधार पर कितने वर्गों में बांटते हैं? दो वर्गों में। भौतिक राशियों को दिशा एवं परिमाण के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन है वो? नंबर एक सदिश राशि, सदिश राशि, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा नंबर पढ़ेंगे हम लोग अदिश राशि, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है स्केलर और वेक्टर? अदिश सदिश राशि क्या है? तो सदिश राशि वे भौतिक राशि है जिसको पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ये परिमाण और दिशा क्या है मैं तुरंत बता रहा हूँ, आप लोग सब समझ जाएंगे, केवल देखते रहिए। देखिए वे राशि जिसको पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए परिणाम नहीं परिमाण के लिए परिमाण 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 को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एवं दिशा डायरेक्शन जिसको बोलते हैं डायरेक्शन, दोनों की आवश्यकता
कहता वे राशि जिनको पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए परिमाण मैग्नीट्यूड एवं दिशा डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि कहलाते हैं, सदिश राशि कहलाते हैं। जैसे में क्या देंगे, विस्थापन, जैसे जैसे देंगे विस्थापन, क्या देंगे विस्थापन, विस्थापन से निकला था वेग, वेग से निकला था त्वरण, इसके बाद दे देंगे बल, उसके बाद दे देंगे समवेग, आवेग, हाँ ये सब आप लोग पढ़ेंगे। इसकी संख्या आपको मिलेगा 40-50 संख्या में मिलेगा। अदिश राशि किसे कहते हैं, इसका परिभाषा जस्ट इससे उल्टा बनाएंगे, वे राशि जिसको पूर्ण रूप से ज्ञात करने नमल के लिए केवल परिमाण की, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। कोई दिक्कत, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहलाते हैं। अब मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि वे राशि जिनको पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है ना, जैसे में क्या डालेंगे, जैसे जैसे दूरी, क्या डालेंगे दूरी, चाल, दूरी चाल, द्रव्यमान ना वो ठीक बोल रहा है, वो सदिश का उदाहरण हो जाएगा, ठीक ना, वो भी भौतिक राशि है, दूरी चाल द्रव्यमान कार्य ऊर्जा शक्ति कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें हो जाएगा भी दाब, इसमें हो जाएगा ताप, कोई दिक्कत आदि आदि नहीं लगा लूंगा अभी, चूंकि इसमें बहुत सारा उदाहरण आएगा अभी। अब मैं समझा रहा हूं, अभी तो अभी लिखा मैंने, ये समझना इतना आसान नहीं है, मैं एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से देंगे, ध्यान से समझिएगा जरा सा, एक उदाहरण, एक उदाहरण कि ये जो यहाँ है कि पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए परिमाण मैग्नीट्यूड एवं दिशा डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, इसका अर्थ क्या होता है ध्यान देना। हम लोग जाते हैं दुकान, कहाँ जाते हैं दुकान, आलू खरीदने, 5 केजी आलू, आपकी मम्मी बोली जो बेटा रे 5 किलो आलू खरीद के ले आओ ना, जा तू 5 केजी आलू खरीद के ले आ। अब दुकानदार को क्या बोलते हैं, 5 केजी आलू दीजिए, दुकानदार 5 केजी तोलता है, मापता है, मापन जिस राशि का मापन हो उसे भौतिक राशि कहते हैं, और मापन वो किससे कर रहा है, दंड तुला से, मापन किससे कर रहा है, तराजू जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, वो क्या करता है, उसका मापन करता है, क्या करता है, और दंड तुला में तोल लेता है और बोलता है लो 5 केजी आलू, वो पूछता है 5 केजी आलू किधर दूं, पूरब की पश्चिम, वो बोलता है 5 केजी आलू लेना है, लो किधर दूं, पूरब किधर दूं, पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिशा पूछता है नहीं पूछता है, दिशा पूछता है नहीं। तो द्रव्यमान का मापन के लिए केवल वो जो तौल के बताया 5 केजी वो हुआ परिमाण, वो क्या हुआ परिमाण, कितना हुआ 5 केजी, तो केवल परिमाण की आवश्यकता हुआ किसमें, द्रव्यमान मापने के लिए, किसके लिए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कैसी राशि होगा,
क्यों? कि पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए केवल याद है ना केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसका? तो केवल परिमाण की आवश्यकता हो। 5 kg बोल दिया, हम बोले 5 kg आलू चाहिए, वो 5 kg तौल लिया और हमको दे दिया। अब एक बल पर विचार करते हैं, ये पोडियम है और मैंने बोला आपको आके यहाँ खींचो थोड़ा सा, तो आप आके पहले पूछेंगे, क्या करेंगे? आके पूछेंगे कि पोडियम किधर खींचूं, पूछेंगे कि नहीं? आपको बोला बेटा इसको खींच दो रे, तो आप आके क्या बोलेंगे, खींचने लगेंगे? आप पूछेंगे पहले कि किधर, किधर? हम बोलते हैं पश्चिम, तो क्या करेंगे आप, खींचते चले जाएंगे? तो फिर आप पूछेंगे कितना, पश्चिम खींचू तो कितना, पूछेंगे कि नहीं? तो बल लगाने के लिए परिमाण भी हमको बताना होगा कि 10 मीटर तक खींचो या 5 न्यूटन लगा के खींचो और पश्चिम तरफ खींचो, तो दिशा भी बताना पड़ गया और परिमाण भी बताना पड़ा। लेकिन आलू जब मापने लाने जाते हैं दुकान, तो उसको 5 kg आलू तौलने कहते हैं, दुकानदार कभी नहीं पूछता है तौल के आलू पूरब चाहिए पश्चिम, कि बोला आप लोगों को कि आलू तौल के बोलता है 5 kg तौल दिया, पूरब चाहिए पश्चिम, उत्तर आलू चाहिए दक्षिण, ऐसा पूछा है? तो द्रव्यमान जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो उसके लिए केवल क्या चाहिए, दिशा चाहिए। लेकिन बल जब लगाते हैं, खींचना धक्का देना ये सब क्या है, बल लगाना है ना, तो बल जब लगाते हैं तो बल के लिए क्या चाहिए, परिमाण और दिशा दोनों। समझ में आया? अब मैं पिछले क्लास में आप लोगों को दूरी और चाल के विषय में बताया था कि ये है लकी का घर, यहाँ था लकी का नानी घर, यहाँ से लकी गया था, इसे घूम के गया था। क्यों? क्योंकि बीच में क्या था, तालाब। क्या था? तालाब। तो लकी क्या क्या था, बदमाशी क्या, मोटरसाइकिल लेके ऐसे ऐसे भाग गया रानीपुर तरफ, घूमते 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 फिर नानी घर यहाँ आया, रास्ता अजीब तरह का बना लिया, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता। इसमें देखिए कोई निश्चित दिशा है? निश्चित दिशा नहीं है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर तिधर गया है, जिग जाग मोशन करते हुए पहुँच गया कहाँ, नानी घर। तो दूरी के लिए दिशा की जरूरत नहीं है, परिमाण की जरूरत है। क्यों? कहेंगे कितना दूर है नानी घर, तो ये कितना दूरी तय किया, तो लंबाई माप लेंगे, पूरा बता देंगे 1500 मीटर। कितना दूर है नानी घर? अब यहाँ दूर कितना है, पूरब तरफ दूर हुआ पश्चिम तरफ को पता चला नहीं सर। लेकिन विस्थापन जब ज्ञात किए थे, क्या कहते हैं, नानी घर में एक खुट्टा गाड़े थे, बांस काट के यहाँ गाड़ दिए जमीन पर, और यहाँ बाबूजी के घर में एक तो बांस गाड़ दिए, रस्सी यहाँ से यहाँ तक तान लिए, पूरा एकदम सीधा कर दिए, उसके बाद इस रस्सी को खोल के इसका लंबाई माप के बता दिए कितना हुआ था, 1000 मीटर। इसको बोले थे हम लोग विस्थापन, और इसका दिशा है घर से नानी घर की ओर, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। इसका दिशा किधर है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। तो विस्थापन क्या हो गया? सदिश। विस्थापन क्या हुआ? क्यों? क्योंकि इसका ये जो परिमाण है 1000 मीटर, इसके साथ साथ दिशा भी चाहिए, और दिशा किधर हुआ? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। और दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी का कोई निश्चित दिशा नहीं है, देखते हैं इधर 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 इधर, फिर यहाँ गए, फिर इधर आके इधर लौटने लगे, फिर ऐसे हुआ, दूरी में निश्चित दिशा नहीं है, लेकिन परिमाण है 1500 मीटर। तो दूरी में केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं, तो दूरी ज्ञात करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं, तो दूरी कैसी राशि हो जाएगा? और ये विस्थापन ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर ही जाना होगा, इसमें इधर उधर चल जाएंगे तो न्यूनतम दूरी प्राप्त होगा। हमने विस्थापन की परिभाषा बताया था, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को बोलते हैं विस्थापन, बताए थे? तो न्यूनतम लंबाई के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अंतिम बिंदु की दिशा में जाना पड़ा, जाना पड़ा था ना, अंतिम बिंदु की दिशा में जाना पड़ा था। तो विस्थापन में परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, विस्थापन में, तो विस्थापन सदिश होगा, कदिश सदिश हो जाएगा, और दूरी क्या होगा, अदिश होगा, समझे? तो इसी प्रकार ये जितने भी राशि है इसको ज्ञात करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशि में जिसको ज्ञात करते हैं उसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इस पर मैं एक ट्रिक पढ़ाता हूँ,
आपको नाइन्थ क्लास में आप ध्यान दीजिएगा, केवल नाइन्थ क्लास के लिए, कि जितने भी भौतिक राशि में व होगा और ब होगा वो सब सदिश हो जाएगा। अब देखो यहाँ विस्थापन वह है, वेग वह है, त्वरण में वह है, बल में वह है, संवेग में वह है, आवेग में वह है, दाब दाब वह है ना, व और ब वाला कित क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। व और ब वाला क्या हो जाएगा, सदिश। देखिए यहां भी दाब लिख दिए थे, तो व ब वाला क्या हो गया, सदिश। लेकिन जिसमें व और ब नहीं है वो अदिश में जाएगा। यहां देखना चाल, द्रव्यमान में पूरा नहीं है, आधा आधा मतलब नहीं है, पूरा होना चाहिए। देखो ये क्या है, व ब नहीं है, अदिश में है ना। यहां देखना कार्य, व ब है, अदिश होगा ना। ऊर्जा वह वो है, क्या हो जाएगा, अदिश। शक्ति वह वो है, क्या हो जाएगा, अदिश। दूरी दूरी वह वो है, चाल वह वो है। तो जिसमें वो और वो नहीं रहता वो सब किस में चल गया, और जिसमें वो वाला राशि जितना है उस किस में चल जाएगा। लेकिन ये ट्रिक 100% सत्य नहीं है, ये आप बच्चा है इसलिए आपके क्लास में ये ट्रिक मैं दे दिया। ऊपर क्लास में जब आईएससी में पढ़ाता हूँ तो वहाँ इसका एक अपवाद आता है, ठीक ना। और आईएससी के बाद कंपटीशन में जब पढ़ाता हूँ तो उसका बायफर्केट रूल पढ़ा देता हूँ, ठीक ना, कि सदिश में कौन जाएगा देश में कौन जाएगा। अभी नहीं, नाइन्थ क्लास में भर के लिए सिंपल आपको याद रखना है। नाइन्थ क्लास में जितने भौतिक राशि मिलने वाला है सब इसमें समा जाएगा आपका, बात बुझे। इसमें एकांत ठो उदाहरण आएगा जिसमें कि वह वो आपको मिलेगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, जैसे घनत्व, घनत्व देखिए वो है ना, लेकिन ये क्या है, अदिश है। घनत्व क्या है, अदिश। ये घनत्व आपको नमा में मिल जाएगा लेकिन फिर भी ये अदिश होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इस प्रकार सदिश और अदिश में कौन कौन आएगा, समझ गए आप स्मॉल ट्रिक को, आप समझ गए ट्रिक, समझ गए ना, टी आर आई सी के ट्रिक, समझ गए आप। वो ब वाला राशि क्या हो जाएगा, सदिश। अपवाद में क्या ले लेंगे, अपवाद, अपवाद मैंने कि वो रहते हुए वो सदिश नहीं है, वो कौन है, अपवाद में घनत्व, कौन होगा, घनत्व। नाइन्थ क्लास के लिए, किसके लिए है, क्लास नाइन के लिए, केवल नाइन में जो भौतिक राशि आने वाला है उसके लिए। टेंथ में जाने के बाद थोड़ा रूल बदलता है, 11 में पढ़ाता तो और रूल बदलता है, 12 में जाके पूरा रूल बदल देता हूँ, 12 में नहीं कंपटीशन में फिर, ठीक ना। कंपटीशन के लिए ट्रिक अलग है, नौवां क्लास के लिए ट्रिक है केवल, कि नौवां क्लास में जितना भौतिक राशि मिलेगा उसमें आप देखेंगे व ब वाला सब क्या हो जाएगा, सदिश, और जिसमें व ब नहीं है वो क्या हो जाएगा, अदिश। अपवाद में कौन होगा, घनत्व, कि घनत्व में व है लेकिन ये सदिश नहीं है, ये अदिश है। घनत्व में वह है लेकिन ये क्या है, अदिश है, ये अदिश है, ये क्या है, अदिश है, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार सदिश और अदिश आप समझ गए। सदिश राशि आप बोलिए, एक लड़का पढ़ के सुनाओ तो, नाइन्थ क्लास का कोई भी बच्चा उठो और पढ़ के सुनाओ तो, शेखर पढ़ के सुनाओ, सदिश राशि किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वे राशि जिसका पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए परिणाम एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, संवेग। हाँ, वो ट्रिक इसका क्या बताए थे, वो और वो वाला भौतिक राशि जितना होगा किस में चल जाएगा, सदिश में। अब अदिश में आओ, अदिश पढ़ के दूसरा लड़का सुनाओ, बैठ जाओ, शेखर बैठेगा, कोई लड़का पढ़ो नाइन्थ क्लास का, तेरा नाम क्या है, राकेश, राकेश पढ़ के सुनाओ। अदिश राशि वे राशि जिसको पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाता है। जैसे जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप। ताप, अच्छा इसका ट्रिक क्या बताए थे, ट्रिक जो वो और वो नहीं होगी हो, जिस राशि में वो और वो नहीं हो, नहीं हो जिस, ऐसे बोल बेटा, जिस भौतिक राशि में वो और वो नहीं मिलेगा, जिस भौतिक राशि में वो और वो नहीं हो वो क्या होगा, अदिश राशि होगा। अपवाद में कौन है, घनत्व, वो रहते हुए ये क्या है, अदिश है। और ये ट्रिक क्या हमेशा सत्य है, नहीं, कहाँ तक ये सत्य है, नाइन्थ क्लास का भौतिक राशि पहचानने के लिए, किस कहाँ तक के लिए, हाँ। तो
तो सदिश राशि और अदिश राशि आप समझ गए? यस सर। अब देखेंगे जितने भी भौतिक राशि हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, अभी जैसे पांच भौतिक राशि हम लोग पढ़ चुके हैं, दूरी, फिर नीचे में स्टार पॉइंट बनाया था, दूरी क्या है? अदिश राशि है। फिर विस्थापन का परिभाषा बताया था, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? और विस्थापन वह बोला है क्या होगा? सदिश हो जाएगा। ट्रिक भी इसका बता रहा है, विस्थापन क्या होगा? सदिश। इसके बाद विस्थापन से निकला वेग, तो वेग कौन सा राशि हो जाएगा? ट्रिक क्या बता रहा है? वह वाला ओमेगा गो वेग, वह है ना, तो वेग क्या हो जाएगा? सदिश। फिर वेग से निकला था त्वरण, क्या निकला था? त्वरण भी हमने पढ़ाया था, वहां भी वह है, तो क्या हो जाएगा? सदिश। तो इस प्रकार भौतिक राशि हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर दूरी पढ़े थे, दूरी में वह है, सदिश होगा का दिश, अदिश हो जाएगा। ट्रिक भी बता रहा है वो अदिश है। और ऐसे भी दूरी के लिए देखे थे, दिशा निश्चित नहीं होता है, जिधर जिधर दिशा बदल जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा दिशा से ना, तो दूरी कैसा है? क्योंकि दूरी ज्ञात करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दूरी ज्ञात करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? अदिश। तो दूरी क्या है? अदिश। दूरी से निकला था चाल, दूरी से क्या निकला था? चाल। और चाल कैसी राशि है? अदिश। तो इस प्रकार हम लोग सदिश और अदिश में वर्गीकृत करते जाएंगे, जितने भौतिक राशि मिलने वाला है सबको सदिश होगा या अदिश होगा वो लिखना होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, पढ़िए कम समझिए जाता, घर में तैयारी निश्चित कीजिए, तब आगे की पढ़ाई आपका सफल हो जाएगा, ठीक ना। तो इस ठीक है, इतने रहने देते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।